सामने बैठा हुआ नौजवान इसको देखिएगा, पूरे पैसेज में एक ही इंसान है ऑरेंज ऑरेंज शर्ट में, वो बोल रहा है मजा आ रहा है, ऐसी जगह पकड़ी है मैंने, कभी भी जा सकता हूँ। बहुत सारे लोग यहाँ पर एंजॉय करने के लिए आए, लेकिन बहुत सारे लोग एक ही सेंटेंस लेकर आए, वी हैव टू गो। मॉर्निंग वॉक के लिए आप जाओ, 90% लोग मॉर्निंग वॉक नहीं करते। वार्निंग वॉक है वो, डॉक्टर ने बोला है डायबिटीज डाले उतरे आता साल नहीं तो वर्दी दाचे। और खुल के नहीं बोलते। और ये कामत साहब बड़े इंटरेस्टिंग रोमांटिक इंसान है, 14 फरवरी आपका डेट ऑफ बर्थ है क्या सर? हाँ, बड़े इंटरेस्टिंग इंसान है। उन्होंने वीडियो दिखाया, बड़ा इंटरेस्टिंग वीडियो था, जिसके अंदर टीचर आके बच्चों को बोलती है व्हाट यू वांट टू बिकम इन योर लाइफ इन फ्यूचर, ऐसा कुछ तो है सवाल। और फिर बच्चे लोग लिखते हैं यार ऐसी टीचर अगर हमारी क्लास में होती। Taking all these ladies and girls sitting in the house, I must appreciate all of you. आप लोग इतने कमाल के हो, लेकिन सारी लड़कियों से सारी लेडीज से मेरी ये शिकायत है, इनको उनके हस्बैंड कुछ बोलेंगे सुनेंगे नहीं, पिताजी जो बोलेंगे सुनेंगे नहीं, बड़ा भाई बोलेगा सुनेगा नहीं, दुनिया में किसी भी आदमी का ये कुछ नहीं सुनते, लेकिन इंडियन लेडीज एक इंसान की हर बात सुनते हैं, वो है फोटोग्राफर। हैप्पीनेस उसमें, अभी लेडीज देखो कालबा देवी मार्केट जाएगी, दादर मार्केट जाएगी, 50 रुपए में 3 रबर बैंड लेकर आएगी, पूरी सोसाइटी को मालूम पड़ जाएगा 50 पत्रण मिलेगी, आज कितने फ्लेक्सिबल सू कलर ची क्या एवडो सुंदर ना मैं तुम्हारा सांती का पूरी सोसाइटी को बोलू में 50 में 3 मिला। जेंट्स का ऐसा नहीं है, 4000 की विस्की पिएंगे। अपनी बीवी को नहीं बताएंगे ये बात अलग है। But let me tell you, life में कभी भी tension, any South Indians in the house, can you please raise your hands? Oh, wonderful, amazing. I never go to my native place. I'm basically from Bangalore, but I don't go to my native place because I cannot explain my relative what I do. Because they ask me, what you do? I am a stand-up comedian. Well, that's okay, but what you do? तो हमारे कर्नाटक में तो एक नियम है, जो इंसान इंजीनियर नहीं है वो पुरुष ही नहीं है। तो मैं उधर जाता ही नहीं हूँ, महाराष्ट्र लड़की से शादी करके इधर ही रहना, अपने काय परिस्थिति ना गए कि चला यहाँ पर। तो मैं आप लोगों को एक सलाह देना चाहता हूँ, लाइफ में कभी भी टेंशन आए, ये हैप्पीनेस वीक मनाओ, ईयर मनाओ, लेकिन इमीडिएट रिजल्ट चाहिए, इंस्टेंट रिजल्ट चाहिए, आपको हैप्पीनेस चाहिए। गुजराती, हिंदी, मराठी, इंग्लिश कोई पिक्चर मत देखो, हमारा साउथ इंडियन पिक्चर देखो। एक सेकंड में टेंशन दूर। पूछो क्यों? अरे पूछो तो सही। हीरो हीरोइन विलन एक ही साइज एक ही कलर जलसा एक बात होनी चाहिए। मुंबई में रक्षा के 10वीं मध्ये तुझे भविष्य ठरणार आवलं। जैसे ही 10वीं खत्म होगी परसेंटेज आए वो किधर किधर एडमिशन होगी 11वीं 12वीं एकदम सीरियसली है जी इतने तुझे आयुष्य बनार तो ठीक है तो खैर अभी 12वीं होगी अब आ गया टाइम मेहनत करने का। अब वो 12वीं के बाद 3 साल कोई मैनेजमेंट करता है कोई इंजीनियरिंग स्टूडेंट के तो दुख ही अलग है। वो माया जाल है इंजीनियरिंग कॉलेज बोलो मतलब क्लास में लड़कियां है मगर नहीं है। देखो कैसी तालियां कहां से आ रही है। इंजीनियरिंग कॉलेज का दुख यह है कि 20 ग्राम का बच्चा पैदा किया है, छुट्टी है कराटे, कहां से कराटे करेगा, इतना पतला बच्चा पैदा किया है, चश्मा पहन के घूम रहा है, की होल से दोनों आंखों से देख सकता है। उसको स्कूटर पे डाल के कराटे हुआ ये कसले का हुआ दिखाना खाली हुआ
दिया उसको करा दे, कामत सामने नहीं बजाए, चलो ठीक है। लेकिन इसका मतलब भगवान का रूप है वो। इसीलिए लाइफ में कभी भी आप डॉक्टर के पास जाते हो तो ऐसा समझो कि आप भगवान के पास जा रहे हो। गलत बोला मुझे तो सिर्फ इतना ही, हस्बैंड एंड वाइफ का झगड़ा होना बहुत जरूरी है। जिस हस्बैंड एंड वाइफ का झगड़ा नहीं होता है, प्यार से रहते हैं, समझ जाओ दोनों का अपना सेपरेट चैनल है।